नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनुरासन के बारे में। धनुरासन पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में से एक महत्वपूर्ण आसन है जो अनेक स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। क्योंकि इसका आकार धनुष के समान होता है इसलिए इसको धनुरासन के नाम से जाना जाता है। इसे बो पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि धनुरासन को कैसे किया जाता है तथा इसको करने के क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सर्वप्रथम जमीन पर आसन बिछाकर पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों, पंजों एवं एड़ियों से आपस में जोड़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए कमर तक लाएं। फिर बाएं हाथ से बाएं पैर के टखने और दाहिने हाथ से दाहिने पैर के टखने को मजबूती से पकड़ लें। इसके बाद सिर को थोड़ा ऊपर उठाकर देखने का प्रयास करें। अब हाथ एवं पैरों को तानते हुए थोड़ी देर धनुष की तरह झूले और पुनः धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए। एक बार इस आसन का अभ्यास करने के बाद कुछ देर तक शरीर को विश्राम दें, उसके बाद पुनः इसी क्रिया को दोहराएं। इस आसन को करते समय सारा शरीर पेट के बल टिका रहता है, इसलिए यह आसन हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। अगर आसन करते समय अधिक परेशानी न हो, आसन की मुद्रा में शरीर को धीरे धीरे आगे पीछे दाएं बाएं हिलाकर शरीर को झूले की तरह झुलाया भी जा सकता है। ऐसा करने से धनुरासन का प्रभाव और बढ़ जाता है। धनुरासन के नियमित अभ्यास से पेट की मांसपेशियों की अच्छी मालिश हो जाती है। इससे पेट की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं तथा तोंद घटती हैं। इस आसन से महिलाओं का रक्त प्रदर जहां नियमित हो जाता है, वहीं पुरुषों का स्वप्न दोष भी समाप्त हो जाता है। धनुरासन के अभ्यास से पाचन प्रणाली के विभिन्न अंगों को बल मिलता है। इससे व्यक्ति की पाचन प्रक्रिया सुधरती है और बदहजमी एवं पेट के गैस बनने की शिकायत दूर होती है। यह आसन दीर्घकालिक कब्ज, मंदाग्नि एवं जठर तंत्र संबंधी अन्य रोगों में भी लाभप्रद होता है। धनुरासन पेड़ों की मांसपेशियों को सशक्त बनाता है एवं प्रजनन संस्थान संबंधी अनेक विकारों जैसे स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, यूकोरिया तथा मासिक चक्र संबंधी अनियमितताओं को भी दूर करके शरीर को पुष्ट एवं स्वस्थ बनाता है। धनुरासन का अभ्यास हर्निया रोग से पीड़ित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति को पुराना स्लिप डिस्क अर्थात कमर दर्द की शिकायत हो, गंभीर हृदय रोगों से पीड़ित हो, पेट में कोई घाव हो, स्त्री गर्भवती हो, ऐसी अवस्था में धनुरासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद सख्त कब्ज और बवासीर की अवस्था में भी धनुरासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आज आपने जाना कि धनुरासन के क्या क्या फायदे होते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।